पहले मैं आप सबको ही धन्यवाद देने के लिए औपचारिक रूप से आपको निमंत्रण दिया था कि आज प्रत्यक्षता फिर से मिलना हो जाए। आप सबके ध्यान में है कि लोकतंत्र का महापर्व इस यूनियन टेरिटरी में कल संपन्न हुआ। मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर साबित होगा और यहां के विकास और नव निर्माण में कल जो चुनाव हुआ है इसका बहुत ही महत्व होगा। मतदान के जो आंकड़े अभी तक उपलब्ध हुए हैं उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि जम्मू कश्मीर का चाहे यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग हो, प्रोफेशनल हो या व्यापारी, सबने बढ़ चढ़ करके ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, यहाँ की उन्नति और प्रगति को जन जन तक पहुंचाने के लिए और तरक्की को एक नई दिशा देने के लिए भारी संख्या में मतदान किया है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव से और इस चुनाव के मत प्रतिशत की तुलना करेंगे आप तो कठिन स्थानों पर भी विपरीत मौसम के बावजूद मैं कह सकता हूं कि कई स्थानों पर दुगुना मतदान हुआ है और इसके लिए मैं श्रेय आपको देना चाहता हूं। पिछले दिनों जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो प्रयास किया उनकी समस्याओं के समाधान में जिस तरह की रुचि सबने मिलकर के दिखाई और उसको आपने जिस ढंग से लोगों तक पहुंचाने का काम किया मैं मानता हूं कि आपकी भी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। तीसरी बात, मुझे लगता है कि भारत के संविधान में जो संशोधन हुआ 73rd और 74th उसमें जो कमियां रह गई थी पंचायतों को और अर्बन लोकल बॉडीज को मजबूत करने के लिए जो काम किया जा सकता था वो अधिकतम काम पिछले 3-4 महीनों में हमने किया और 3-tier सिस्टम यहां भी लागू हो तो DDC के चुनाव भी यहां करा दिए। तो मैं उन सभी राजनीतिक दलों को और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को भी जिन्होंने भारत के संविधान में आस्था व्यक्त की है उनको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रतिकूल मौसम में जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें महिलाओं की, बच्चियों की, नौजवानों की रही है मुझे लगता है कि उन सबका अभिनंदन अगर न किया जाए तो शायद ये ज्यादती होगी। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और चुनाव शुरू होने के पहले मैंने एक बात कही थी कि पीसफुल, फ्री एंड फेयर, शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान हो इसका इंतजाम प्रशासन करेगा और मुझे प्रसन्नता है कि छोटी मोटी एक आध घटनाओं को देख लें तो इसके अलावा सामान्य रूप से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया है। दूसरे राज्यों में भी अगर चुनाव आप देखे होंगे तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा घटनाएं होती हैं, ये और खुशी का मौका है। दूसरी बात, प्रशासन के जो हमारे साथी इस पूरे अभियान में लगे थे, जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्स के जिन लोगों ने इस ठंड में भी पूरी मेहनत करके इस चुनाव को निष्पक्ष कराने में और शांतिपूर्ण कराने में योगदान दिया है उन सबका भी मैं आज अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये त्रिस्तरीय डेमोक्रेसी जबरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर में काम करे इसके लिए हम सब पूरा सहयोग करेंगे और आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का जो गठन होगा तो जिले के विकास की पूरी जिम्मेदारी चुने हुए प्रतिनिधियों को मिले और वो काम करें इसका हम सब प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चुने हुए प्रतिनिधि और उनके माध्यम से जम्मू कश्मीर के विकास को नई ऊंचाई तक ले जाने का और जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरी क्षमता से घर घर तक पहुंचाया जा सके ये प्रयास हम करेंगे। एक बार फिर से मीडिया के साथियों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और सभी राजनीतिक दलों को विशेष रूप से साधुवाद देता हूं कि भारतीय संविधान में आस्था व्यक्त करते हुए जो संशोधन हुआ उसको उन्होंने पूरी तरह स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर आगे भी मेरा रेगुलर हर महीने एक दो बार मिलना होता था, जम्मू थोड़ा देर से आया, ठंड भी बड़ी कड़ाके की पड़ रही है लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही आप सबसे भेंट होगी। क्रिसमस और नए वर्ष की एडवांस में शुभकामना आप सबको देता हूं।
और उम्मीद करता हूं कि जल्द हम सब मिलेंगे। आपकी जानकारी में है कि 26 सितंबर को देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, 26 दिसंबर को देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी एक सेहत योजना का शुभारंभ करने वाले। आपको ये भी मालूम है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य जब शुरू हुआ था तो उसमें क्राइटेरिया थी कि 2011 के सेंसस में जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं ऐसे परिवारों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हर साल मिलेगा। उसी तर्ज पर यहाँ 30 लाख लोगों को सुविधा आयुष्मान भारत में मिल रही है। 1 करोड़ लोग बच गए थे तो हम लोगों ने एक फैसला किया कि इन 1 करोड़ लोगों को भी 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा आयुष्मान भारत सेहत के नाम से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है इसमें दी जाए। और 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी के शुभारंभ के बाद हर CHC पर, हर जनपद पर, यहीं जम्मू में भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे, हर जिले में कार्यक्रम करेंगे और उसी दिन से गोल्डन कार्ड बंटना शुरू हो जाएगा। अभी तक मोटे तौर पर 16 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है, जो बचे हैं उनका भी वार फुटिंग पर पंजीकरण करा करके इस काम को भी हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत।